आते समय हो गया ना यार। चलिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी की इस बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो कि केंद्रीय कार्य समिति दिल्ली में 25 तारीख को इस समिति में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसका अनुमोदन करते हुए उसके समर्थन में राज्य के सभी वरिष्ठ नेतागणों, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और सभी कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव यहाँ पास किया है, जो मैं पढ़कर बतलाऊंगा। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को संबोधित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की यह बैठक प्रदेश के समस्त कांग्रेस जनों की भावनाओं के अनुरूप सर्वसम्मति से केंद्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है और आपके प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करती है कि आप हमें अपना प्रभावी नेतृत्व प्रदान करते रहें। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी उन समस्त चुनौतियों, विफलताओं और कमियों को स्वीकार करती है जिनकी वजह से ऐसा जनादेश आया। हम सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हर स्तर पर पूर्ण आत्मचिंतन के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष को अधिकृत करते हैं कि वे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर विस्तृत पुनर्रचना करें और इस बाबत योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारा है, लेकिन हमारा अदम्य साहस, हमारी संघर्ष की भावना और हमारे सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता पहले से ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी नफरत व विभाजन की ताकतों से लोहा लेने के लिए सदैव आपके नेतृत्व में कटिबद्ध है। इस प्रस्ताव को पूरी कार्य समिति ने सर्वसहमति से पास किया है, जिसकी सूचना माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को और AICC को की जाएगी। प्रस्ताव मैंने प्रस्तावित किया, जिसे माननीय अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने सेकंड किया और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका समर्थन किया और सभी ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष को इसकी सूचना हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के माध्यम से करेंगे और साथ ही साथ यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, जैसा कि प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। और कांग्रेस के सभी नेता और यहाँ पर जितने भी हमारे मंत्री, एक्स एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार, जिला कांग्रेस कमेटियाँ, सभी को ये निर्देश दिया गया है कि वे सब जनता के बीच में जाकर उनका सहयोग और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें, उनके सहयोग के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और आने वाली चुनौतियों का सामना और उनकी सेवा आज कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस पर विश्वास दिलाते हुए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को आशीर्वाद प्रदेश में दिया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके हर मुसीबतों में, हर तकलीफों में और प्रदेश के विकास के लिए और गति से कार्यरत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज विशेष मीटिंग हम लोगों ने बुलाई थी। AICC के प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और कार्य समिति के जो पदाधिकारी थे, हम सब ने आज एक मीटिंग करी है। और 25 मई को जो केंद्रीय कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है,
उस प्रस्ताव को हमने उसका अनुमोदन किया है और राहुल गांधी जी से आग्रह किया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना नेतृत्व हमारी पार्टी को देते रहें और हर स्तर पर जो भी उनको परिवर्तन करना है आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन में वो चेंजेस कर सकते हैं, ये स्वीकृति वर्किंग कमेटी ने दी थी और हमने भी आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनसे आग्रह किया है कि अपना नेतृत्व बरकरार रखें, हमको लीड करें और जो कमियां हैं, जो संगठन में बदलाव वो करना चाहते हैं हर स्तर पर वो कर सकते हैं, क्योंकि आज विपक्ष के रूप में चाहे लालू यादव जी हों, चाहे एम के स्टालिन जी हों और सभी कांग्रेसियों ने ये कहा है कि आज का समय देश को एक मजबूत विकल्प देने का है, एक मजबूत विपक्ष देने का है और राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर सदन के बाहर कड़ी मेहनत करी है, लोगों के बीच में गए हैं और हर मुद्दे पर सरकार को और भाजपा को उन्होंने चुनौती देकर मजबूर किया है कि वो कटघरे में खड़े हों और जवाबदेही तय करने का काम किया है। मेहनत में कोई कमी नहीं रही, इस हार को हम स्वीकार करते हैं। देश का जो जनादेश जनता ने दिया है वो हमारे शर्माते हैं, जनता जनार्दन ने जो निर्णय लिया है उसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग कैसे संगठन को दोबारा मजबूत कर जनता में जाएंगे। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यों को आज राजस्थान में कहा है कि तुरंत प्रभाव से हम लोग एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चालू करें, गाँव में, ढाणियों में, शहर कस्बों में तुरंत प्रभाव से चले जाएँ। ये पहला चुनाव नहीं है और ये आखिरी चुनाव भी नहीं है, इसलिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, पुनः उनका दोबारा मन जीतेंगे। प्रदेश की सरकार हमारी राजस्थान के अंदर, उनकी सभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम पूरा करेंगे और प्रत्येक कांग्रेसजन अपने क्षेत्रों में निकलकर लोगों से संवाद कायम करेगा और आने वाले समय के लिए लोगों को कांग्रेस की तरफ प्रेरित करने का काम करेगा। कैसी बात करते हो आप, लोगों ने, राहुल गांधी जी तो हमेशा कार्यकर्ताओं की भावनाओं का, देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं और आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके कहा गया है, अध्यक्ष सचिन पायलट जी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और वो सब प्रस्ताव स्वीकार हो गया। सब ने एक मत से कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और उनको पूरे देश में जो भी परिवर्तन करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, संगठन को कैसे आगे ले जाना, राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी तय करेंगे और सब ने एकमत होकर राहुल गांधी जी में भरोसा व्यक्त किया। साथ में सचिन पायलट जी ने यह भी कह दिया कि मास कॉन्टैक्ट के लिए सबको निकलना है, लोगों के बीच में जाना है, सरकार हमारी है और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पलायन नहीं करती है, चुनौती स्वीकार करके जनता को मालिक मानकर सेवा करती है, वो सेवा हमारा धर्म है, सेवा करेंगे, काम करेंगे और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं, फालतू की बयानबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी करते हैं, सब धराशायी हो जाएंगे। मुकाबला है, आप ये मानकर चलिए केंद्र की मोदी सरकार 5 साल राज करेगी, हम भी सिर्फ 4 महीने कम राज करेंगे, 5 साल का मुकाबला, काम अच्छा कौन करता है आप देखिएगा, अच्छा काम हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़े, जनता के साथ जुड़ करके हम फिर जनता के लिए संघर्ष करें। जनता ने जो हमको विपक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी दी है, डेमोक्रेसी में हम उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करें और जनता के साथ जुड़ करके कांग्रेस पार्टी अपनी जिन नीतियों के लिए, जिन बातों के लिए कि वो युवाओं की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी, उनके साथ हम जुड़ करके उनके काम करवाने का काम जो है वो करें। ये प्रस्ताव आज जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की जो बैठक थी उसमें लिया गया है और इस प्रस्ताव को AICC भेजा जाएगा। देखिए, मीटिंग के आयोजन का उद्देश्य ये था कि केंद्रीय कार्य समिति ने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के इस्तीफे की पेशकश को खारिज किया है, उसी प्रकार से हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि वो हमें नेतृत्व प्रदान करते रहें, उनमें हम अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, उनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, कांग्रेस की विचारधारा को विस्तार देने में उन्होंने पूरे देश भर में संघर्ष किया है और इस परिस्थिति में जब चुनाव आ रहे हैं तो उनके नेतृत्व की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथ ही एक सशक्त विपक्षी भूमिका भी हमें उनके
नेतृत्व निभानी है संसद लेकर सड़कों में। प्रदेश में हमारी सरकार है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ने, प्रभारी महासचिव जी ने हमसे मनोबल बनाए रखने के लिए कहा है और साथ ही साथ एक अच्छा शासन हम दे सके प्रदेश की जनता को, उसके लिए हमें ग्रास रूट पर जाकर काम करना है ताकि जनता का विश्वास जीत सकें, अपने किए वादों को पूरा कर सकें।